हम आसमान में किसी दूसरी सभ्यता को ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर ये वाकई मिल जाए तो हम इससे संपर्क के लिए क्या तैयार हैं? कोई हमें संदेश भेज रहा है? क्या हम ये जानने की हालत में भी हैं? हम लगभग एक सदी से ही रेडियो सिग्नल्स हासिल कर पाए हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस शायद करोड़ों अरबों साल से पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल्स भेजती रही हों, लेकिन यहाँ शायद किसी को ये पता ही ना चला हो कि ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि हम उन सिविलाइजेशंस को चींटियों जैसे लगते हों, और हम चींटियों से कैसे पेश आते हैं हम ये जानते हैं। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हो तो, अगर उनकी टेक्नोलॉजी हथियार हमें लाचार कर दें तो, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की पृथ्वी पर बसी संस्कृतियों का जब पहला टकराव हुआ तो खूब खून खराबा हुआ। या पूरे कॉस्मोस में कभी ऐसा हुआ होगा कि पहले कॉन्टैक्ट का नतीजा सुखद रहा हो? मुझे संपर्क से जुड़ी ऐसी एक कहानी पता है, लेकिन उसका नतीजा फिलहाल बताना मुश्किल होगा। साइंस और आर्किटेक्चर से जुड़ा ये चमत्कार दक्षिणी चीन में है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। ये है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, या फास्ट जैसा कि इसे कहा जाता है। ये डिश कॉस्मोस से पृथ्वी की तरफ आने वाली रेडियो वेव्स का पता लगाने वाला एक विशाल लिसनिंग डिवाइस है। इस टेलीस्कोप का मकसद है ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके आरंभिक इतिहास से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढना।